और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सभी निगम बोर्ड्स के अध्यक्षों को हटा दिया गया है। निगम बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष हटाए गए। मोहन सरकार ने जारी किया आदेश, जहां निगम मंडल में 46 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर है भोपाल से, एमपी में सभी निगम बोर्ड के अध्यक्ष हटाए गए हैं। निगम बोर्ड के सभी उपाध्यक्ष हटा दिए गए, मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। और निगम मंडलों में 46 नियुक्तियों को अब तक रद्द किया जा चुका है। और संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन सरकार ने बड़ा सैद्धांतिक निर्णय जो है वो लिया है, और पिछली सरकार के दौरान निगम मंडल और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां हुई थी, चाहे आप अध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, सदस्यों की बात करें, उन सभी को जो निरस्त करने का निर्णय है वो लिया गया है। और अब नए सिरे से निगम मंडलों में और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी, और ये एक बड़ा निर्णय जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। कई राजनीतिक नियुक्तियां जो है वो निगम मंडलों में की गई थी, और इन जो तमाम जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इन सभी को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था, और इन सबको निरस्त करने के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। और जल्द ही अब जब ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, इसके बाद नए सिरे से इन तमाम निगम मंडलों में और प्राधिकरणों में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और इस तरीके के फैसले अक्सर जो है वो देखे जाते हैं, जब सरकार में परिवर्तन होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, नई सरकार का गठन होता है, तो पूर्वज जो निगम मंडलों को और प्राधिकरणों का संचालन करने का जिम्मा जो अध्यक्ष के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर जो लोग उठाते रहते हैं, उनमें जो तब्दीली, उनमें जो बदलाव है वो जरूर देखने को मिलता है। और हमने लगातार देखा ग्रीनू की जिस तरह से जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम जो अधिकारियों के तबादलों का एक दौर देखने को मिला, नई तरीके से जमावट जो है मोहन सरकार बनने के बाद देखने को मिली, और अब उसका असर सीधे तौर पर निगम मंडल और जो अलग अलग प्राधिकरण है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक भी पहुंच चुका है। अब उसमें भी जो तब्दीली है वो आने वाले समय में नजर आएगी, और देखने वाली बात होगी कि अब कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें इन महत्वपूर्ण प्राधिकरणों में, निगम मंडलों में नियुक्त किया जाएगा, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, इनके जो दर्जे होते हैं वो दिए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की राम भक्तों के लिए आज से एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत आज रवाना होने वाली है, जहां दोपहर